हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मिले। लास्ट फ्राइडे मिले थे हम लोग, है ना? उसके बाद टुडे वी आर मिलिंग। स्टार्ट कब होगा लेक्चर? ओके, सलीम चौधरी लेक्चर। भाई टाइमिंग तो 5:30 है ना क्लास की टाइमिंग तो 5:30 थी ना, तो 5:30 स्टार्ट हुआ है। चलो, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी, इन विच यू आर वार्मली वेलकम टू द न्यू चैनल दैट इज योर नीट क्वेश्चन बैंक, हम सबका सबसे फेवरेट चैनल दैट इज द नीट क्वेश्चन बैंक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कमिंग लेट, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस कमिंग लेट। एंड बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस ऑफ एनिमल किंगडम इन द स्टार्टिंग पार्ट। हम लोग करेंगे आई थिंक अप टू एनिलिडा तक, ठीक है? मॉल या तो एस्कल्मिंटस या तो एनिलिडा तक हम लोग के क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में, ठीक है जी? हेलो अपेक्षा, सलीम स्टे स्ट्रॉन्ग, हाय मैम मुस्कान प्रेजेंट, ओके। अच्छा, स्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इस नाम से हो, ओके। प्रमिता, ओके फाइन, चलो। एंड बच्चों, जो बच्चे नए हैं मेरी क्लास में, लोगों को मैं बता दे तो दैट माई सेल्फ रेखा दहिया एंड आई एम टीचिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स एंड आई हैव आल्सो क्लियर माय सीएसआईआर नेट एग्जाम, राइट? एंड आई एम टीचिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट रियली मेनी यस यस फाइन। बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग ज्वाइन कर लो। अदरवाइज यहाँ से तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट अ लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल पे बस आपने क्लिक करना है और आप सबके सब वहां पे ज्वाइन हो जाओगे। फटाफट से जाओ, चलो बीना प्रमिता सलीम, आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। चलो फटाफट, फास्ट 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 फटाफट जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। आप लोग सबके सब फटाफट से ज्वाइन करो। चलो, मेरे पास मैसेज आना चाहिए किस किसने ज्वाइन करा है टेलीग्राम चैनल। सलीम फटाफट से चलो, प्रमिता चलो। बच्चे, तो आज की क्लास स्टार्ट की जाती है। आज की क्लास में हम ला रहे हैं सिर्फ एनिमल किंगडम के क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है? एनिमल किंगडम के सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ। मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर वन, बताओ क्या आंसर होगा इसका। मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दे आर मोस्टली मैराइन, आशुतोष यस, फटाफट से भाई पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आशुतोष, ब्लर आ रहा है? नहीं तो बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से तो। आशुतोष फटाफट से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई। बीना साहू, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक आपको। लेट मी चेक कि है कि नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट इट शुड बी देयर। यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फटाफट से ज्वाइन करो। चलो आ जाओ। यस, प्रयास सुमन, श्रुति, भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो आप लोग फटाफट से पहले, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताओ, इट इज ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा? दे आर मोस्टली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। देखो भाई, अनअकैडमी पे जब आप एमसीक्यू जो अटेंड करते हैं तो उसमें अलग ही मजा आता है, क्योंकि वहां पे पोल सिस्टम है। इट इज फॉल्स, अरे यार, दिस इज नॉट मोस्टली। मोस्टली का मतलब तो हो गया ज्यादातर हमारे, बट ज्यादातर हमारे मैराइन नहीं है इसके अंदर। इट इज नॉट मो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, मोस्टली नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? जनरली, जनरली मैराइन। मोस्टली का मतलब हो गया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होगी दैट इज मोस्टली, दे आर नॉट, मैक्सिमम पॉपुलेशन नहीं है हमारी। क्वेश्चन नंबर थ्री, देर आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू।
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जेस से फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्किलम। ट्रू और फॉल्स? यस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ट्रू। अच्छा नेक्स्ट 4 हो गया आपका ट्रू। ठीक है 5 क्वेश्चन आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन का बताओ। This pathway of water transport is not helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Fifth वाला false, yes, because it is false statement key because it will help. It helps in all these processes. Now question number 6. 6 का आंसर बताओ। Coenocytes or collar cell line the spongocele and the canal. Yes, 6 का होगा आपका true. Question number 7. Digestion is intracellular or extracellular? It is intracellular. Very good. Answer is true. Question number 8. Yes. 8 का आंसर बताओ। यस 8 का आंसर होगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। फंस गए मेरे ट्रैप में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तभी तो हर्मेफ्रोडाइट होगा ना। फंस गए ना ट्रैप में। अरे 9 का आंसर ट्रू नहीं है, 9 का आंसर फॉल्स होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन 9 को, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन 9 को। यस क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपको फॉल्स, बिकॉज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दीज आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेपरेट। सेपरेट होते तो हर्मेफ्रोडाइट थोड़ी ना होता। अगर सेपरेट होते तो हर्मेफ्रोडाइट नहीं होता ना, तो दीज सेक्सेस आर डिस्टिंक्ट। और वी कैन से दीज आर नॉट सेपरेट, नॉट आर नॉट सेपरेट। यस आ गए पसीने प्रयास। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। 10 का आंसर क्या होगा बताओ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 10th? टेंथ का आंसर क्या होगा? यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द एडल्ट। ट्रू फॉल्स कैसे, किस चीज का पूछ रहे हो भाई? पहले क्वेश्चन में 11 का आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन 11 का आंसर बताओ क्या होगा। 11th नो मतलब यस और ट्रू और फॉल्स। यस 11th वाला हो जाएगा आपका फॉल्स, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर और वी कैन से डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है, डिसिमिलर है फ्रॉम द एडल्ट वन। ठीक है विच वन इज करेक्टली नेम, ऐसे बताओ किसका नाम सही लिखा क्वेश्चन नंबर 12 में। यस ऑल आर करेक्ट। ठीक है साइकॉन को क्या बोलते हैं? साइफा। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका, बाथिंग स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है ना। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कहां से दे दिया भाई मैं? अच्छा ठीक है तो 13 का आंसर बताओ। पोरिफेरा आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री लिविंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। एंड बताओ यही था क्या क्वेश्चन? ये
13 का आंसर। क्वेश्चन में 13 का आंसर क्या होगा? यस, इट इज नॉट द पोरिफेरा, इट इज द नाइडेरिया, इट इज द नाइडेरिया, राइट? नाउ क्वेश्चन में 40, फिर द नेम नाइडेरिया क्यों बोला गया इसको? बिकॉज ऑफ द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल। और स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट, यानी कि फॉल्स, इट्स अबाउट सिलेंट्रेटा। यस, बिकॉज इट इज अबाउट द सिलेंट्रेटा, दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल देम नाइडेरिया। और क्या बोला गया बच्चों? देखो नाइडोब्लास्ट सेल्स होता है ऐसे करके, हमारा जो ये प्रेजेंट, दिस इज अ नाइडोब्लास्ट सेल जिसके अंदर क्या होता है आपका? निमेटोसाइट सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज अ निमेटोसाइट, दिस इज अ निमेटो साइट इज प्रेजेंट है। और दिस इज, को कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइडोब्लास्ट। नाइडो, यार आजकल मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोगों को किसी को अगर मालूम है तो, अगर किसी लेटर को हमें साइलेंट रखना ही होता है तो उसको हम यूज क्यों करते हैं? किसी को पता है तो बता दो भाई मुझे, कि भाई इतनी इंग्लिश तो नहीं होती है, हमने, हमें नहीं आती है, तो आप बताओ ये ऐसा क्यों है कि जिस लेटर को प्रोनाउंस ही नहीं करना होता फिर उसको हम लोग लिखते ही क्यों है ना? एनीबडी नोज अबाउट दिस? एनीबडी नो अबाउट दिस? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? ये हमने भी अपनी मैडम से पूछा था, इंग्लिश की मैम जो पढ़ाती थी, उन्हें भी नहीं मालूम था। चलो जी, 12 क्वेश्चन नंबर 13 का, 14 का आंसर बताओ। नाइटोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। यस, बताओ क्या हो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? फिफ्टीन, नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट बताओ। फिफ्टीन का आंसर बताओ, 15 का। फंस गया ना मेरे ट्रैप में आशुतोष प्रयास, आपने देख लिया, इट इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्ट, इट इज ए डिप्लोब्लास्टिक होता है नाइडेरियन। नाइडेरियन हमारे टीनोफोरा तक हमारे क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अप टिल योर टीनोफोरा। नाउ बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। यस, 6 इज ट्रू, 15 वाला हमारा आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ओके मैम, सिली मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा, बताओ। बताओ अभी क्या आंसर होगा इसका? यस, 17 का आंसर होगा ट्रू। अच्छा ये बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये क्या होता है? ये टर्म्स का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ मुझे इसका, फिर हम आगे चलते हैं। देखो जितने भी एनिमल्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हो गई है उन सभी एनिमल्स के अंदर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, राइट? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है किसी ल्यूमेन के अंदर डाइजेशन होना, सेल्स के बाहर किसी ल्यूमेन के अंदर, जैसे हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है? ये क्या हमारी, इस इज एलिमेंट्री कैनाल, राइट? अब ये किसी से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इसके सारी लाइनिंग किससे बनी हुई है? सेल्स है ये। अभी सेल्स के अंदर तो हमारा खाना रोटी सब्जी जा नहीं रही ना डाइजेशन के लिए, क्या करते हैं ये? और ये क्या है? दिस इज ए ल्यूमेन। ल्यूमेन तो ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स ही अपना सीक्रेशन इसमें रिलीज कर देंगे, सीक्रेशन को। यस, एंजाइम्स बाहर आएंगे और फिर यहाँ पे जो हमारी रोटी सब्जी है उसका डाइजेशन होता है। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि वो सभी एनिमल्स जिनके अंदर
एलिमेंट्री केनाल फॉर्म हो चुकी है, वो तो हो गया सब में से एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बाकी जिनके अंदर हमारी एलिमेंट्री केनाल नहीं बनी है उनमें होगा हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे कि आपका पोरीफेरा हो गया, हमारा नाइडेरिया हो गया, सिलेंट्रेट्स नाइडेरिया हो गया, टीनोफोरा हो गया, सबके अंदर आपका एक्स्ट्रा एज वेल इंट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप के डाइजेशन हमको मिलेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। सम ऑफ द नाइडेरियन जैसे कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। 18 का आंसर, यस इट इज ट्रू। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक टाइप ऑफ बॉडी, पॉलिप एंड मेडुसा। 19 का बताओ, 19 का आंसर बताओ। यस 19 का होगा ट्रू। द फॉर्मर इज अ सेसाइल, यानी कि फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, पॉलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉर्मर कौन हो गया हमारा, पॉलिप। पॉलिप इज अ सेसाइल एंड द सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया एंड वेरियस लेटर, यानी कि मेडुसा इज द अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया एंड जेलीफिश। यस इट इज ट्रू। नाइडेरियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म, जिसके अंदर दोनों ही पार्शियली दे रिप्रोड्यूस बाय पॉलिप स्टेज एंड पार्शियली बाय द मेड्यूसा। अभी बताओ कैसे कैसे होता है ये, देखो ये हो गया हमारा पॉलिप, दिस इज योर पॉलिप एंड दिस इज योर मेड्यूसा। कैसे याद करते हो भाई, मैं तो ऐसे याद करती हूँ, पीएम पॉलिप से मेड्यूसा, ये हमारा कैसे होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये क्या होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, राइट? और मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन जब होता है दैट इज योर सेक्सुअल, दिस इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जिन ऑर्गेनिज्म में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है मेटाजिनेसिस। ये टर्म ध्यान रखना भाई, इसी से सिमिलर टर्म्स आपने कई सारे आते हैं, मेटाजिनेसिस, मेटास्टेसिस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी। ये चार टर्म, जब भी आपको मेटाजेनेसिस से क्वेश्चन आएगा ना तो ये चार टर्म्स एक साथ लिखी हुई मिलती है, दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, दैट इज हैपन इन द ओबेलिया। ओबेलिया इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट शोज दिस। नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर कॉमन नेम, फाइसेलिया दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पिनिट्यूला पेन हो गया तो ये हो गया सी पेन, गॉर्गोनिया फैन, मेंड्रेना ब्रेन कोरल। इट इज ट्रू और फॉल्स ऑल द स्टेटमेंट्स, यस 22 का आंसर होगा फोर, वेरी गुड। विच वन इज नॉट एन एस्कल्मिंथस, बताओ इसमें एस्कल्मिंथस कौन सा नहीं है, एस्केरिस, बुचेरेरिया, एनसाइक्लोस्ट्रोमिया एंड फ्लैट वॉर्म। बताओ राउंड वॉर्म, फ्लेरियल वॉर्म, हुक वॉर्म एंड फ्लैट वॉर्म, कौन सा इनमें से एस्कल्मिंथस नहीं है, यस फ्लैट वॉर्म इज, फिर ये क्या है, दिस इज द प्लैटी हेलमिंथ, ये क्या है हमारा प्लैटी हेलमिंथ, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड अर्थ वॉर्म, इनमें कॉमन चीज क्या है, यस कॉमन चीज क्या है, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड अर्थ वॉर्म। फ्लैट वॉर्म्स क्या हो गया हमारे प्लैटी हेलमिंथिस, राउंड वॉर्म एस्कल्मिंथिस एंड अर्थ वॉर्म क्या हो गया हमारे एनेली। तो इनमें कॉमन चीज क्या है, दे आर पैरासाइटिज्म, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक या स्यूडोसिलोमेट। वेरी गुड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट तो कौन सा होगा हमारा एस्कल्मिंथस है, यानी कि वी कैन से राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म क्या है हमारा स्यूडोसिलोमेट है, एसिलोमेट कौन हो गया प्लैटी हेलमिंथस है, राइट? यस नाउ एस्कल्मिंथस आर फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स एक्सक्रीटेड टू विद द पोर एंड आर डायोशियस शोइंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल हमें सेपरेटली नजर आते हैं। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
Yes, it is the D. All are correct. Ascaminthus shows following characteristics. Their body is round in shape. Ascaris shows sexual dimorphism. Their excretory structure is called the Raynaud's cell. क्या होगा इसका आंसर? Yes, आंसर होगा इसका D. All are correct. Now, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच, किस में होता है ऐसा? इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, कौन सी में होगा? 727 का बताओ. नो, 26 का होगा. ट्वेंटी सिक्स का आंसर ए नहीं होगा. देयर बॉडी इज राउंड इन शेप, ठीक है. एस्कैरिस, ये भी तो एस्कारिस में आता है ना, एस्कैरिस. That also shows sexual dimorphism. Mesoderm is present in scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. Right, so this is all. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये तीनों की तरह एनसाइक्लोस्टोमा डरी हुक वॉर्म, एस्कैरिस राउंड वॉर्म एंड वुचे रे फ्लेरल वॉर्म, तीनों के तीनों क्या हमारे एस्कल्मिंथस है ना. फाइलम एनिलिडा इज बेस्ड ऑन, इसके डायग्नोस्टिक फीचर क्या है 28 का? नहीं प्रयास, इसका आंसर होगा डी ऑल, क्योंकि सारे के सारे क्या हमारे ए सिलो, ये है सिलो एस्कल्मिंथस है ना तीनों, तो एस्कल्मिंथस में क्या होता है? मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच, तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं लोग? स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट हो गए. और स्यूडोसिलोमेट किसका फीचर है हमारा? एस्कल्मिंथस का, 28 का. यस, वेरी गुड. मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नेक्स्ट पे आ जाओ. विच वन इज अ ब्लड सकर, कौन चूसता है खून? आप लोग माँ बाप के खून चूसने वाले बच्चों पढ़ाई कर लिया करो, पेरेंट्स विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू स्टडी. यस, दिस इज अ लीच. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिड, फेरिस्टिमा एंड लीच, मोनोशियस, नेरिसिस एक्वाटिक एंड डायोशियस. क्या आंसर होगा 20-30 का? Yes, D. All are correct. Which feature is absent in the annelids? Nephridia, osmoregulatory, later seeming appendage in the aquatic form like nares, longitudinal circular muscle help in locomotion and pseudocilium. Is absent. Yes. थर्टी वन का होगा आपका डी, क्योंकि इसमें क्या होता है? सिलोमेट होता है. एनिलिड्स क्या होते हैं? दे आर सिलोमेट्स, दे आर सिलोमेट, राइट. नेक्स्ट, एनिलिड्स आर एक्वेटिक मैराइन फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग समटाइम पैरासाइट, हैव न्यूरल सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया और नॉन सेगमेंटेड ए एंड बी. कौन सा इसमें करेक्ट है? यस, गुड. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसमें एनिलिड्स में? डी वाला करेक्ट होगा आपका, है ना. नेक्स्ट, इसे पहचानो और मैच करो, कौन कौन से एनिमल्स हैं ये.
यस भाई, जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को ना अपडेट्स मिलती रहेंगे हर चीज की। आंसर हो गया इसका 1। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ बिलोंग्स टू दी। यस, क्वेश्चन 34 का आंसर होगा आपका आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आर। कौन कौन से होंगे? यस डी, ऑल आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। विच मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर? यस वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। विच बर्ड इज अ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल कौन सा इनमें से? लाइम्यूलस। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। आर्थ्रोपोडा हैव सेंस ऑर्गन लाइक एंटीने, स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंस, सिंपल एंड कंपाउंड आई। कौन सा वाला है? 38 का आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर 38? यस डी, ऑल। इन आर्थ्रोपोड रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? यस गुड, 39 का होगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड इज हार्मफुल? फोर्टी का यस आंसर होगा इसका फर्स्ट, ए एंड बी। 40 का 4, ए एंड डी। लोकस्टा तो नहीं होता, लोकस्टा तो हम लोग को वो देता है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। लैक इंसेक्ट बोलते हैं लोकस्टा। लोकस्टा हम किसे बोलते हैं? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ए एंड डी इज द करेक्ट। लोकस्टा दैट इज अ लैक इंसेक्ट। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉ, किसमें? स्कॉलोपेंड्रा, मिलीपीडी, स्कॉर्पियन और फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स। यह आंसर विल बी डी, ऑल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिगेरियस पेस्ट? कौन सा ग्रिगेरियस पेस्ट है इसमें से? ग्रिगेरियस इज द लोकस्टा, लैमुलस इज द, लैमुलस हमारा क्या है? लिविंग फॉसिल है, और लोकस्टा हमारा क्या है? ग्रिगेरियस पेस्ट। और ग्रिगेरियस का मतलब क्या है? जो भीड़ में भी तन्हाई में रहता है, भीड़ में भी अकेले रहता है, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। रहेगा लोगों के साथ लेकिन किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है? जैसे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, वो सबके साथ बात करेगा लेकिन किसी को हेल्प नहीं करेगा और ना ही किसी को हर्ट करता है वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, अभी अभी बताया था आपको। यस दैट इज द लिविंग फॉसिल, कौन सा? लाइमुलस इज द लिविंग फॉसिल। बच्चों हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एक और 5 तारीख से, 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोल जिसका नाम है लक्ष्य बैच। तो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, यू विल गेट अ वेरी गुड एजुकेशन फ्रॉम देम। या और फिर हमारा दूसरा बैच है, दैट इज एस नीट बैच, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आप लोग इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, राइट? इसका भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, आपने रेफरल कोड यूज करा रेखा 01, REKHA रेखा 01, कोई भी रेफरल कोड यूज कर लो और उसी से आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा, दैट यू कैन वॉच दी ऑल दी बैचेस, जितने भी बैचेस हमारे अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं, आप NEET 2021 के लिए और NEET 2022 के लिए सबका आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है जी? और ये तो मैं आप लोग को सबसे रिक्वेस्ट करूंगी विद माई ज्वाइंटेड हैंड कि आप लोग ये जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज है, जो हर अल्टरनेट संडे को हमारी फ्री टेस्ट सीरीज होती है, हर अल्टरनेट संडे को, जैसे अभी हमारे 7 फरवरी को होने वाला है, इसके लिए अपने आपको एनरोल जरूर कर दो। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी पे आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, unacademy.com डालोगे, वहां पे पेज ओपन, लॉग इन करते ही पे सामने आ जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैक। इस पे नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको आएगा रजिस्टर नाउ, तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास बेंच पूछा जाएगा कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, राइट? तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, क्लास 11th के हो, क्लास 12th के हो, या फिर 13th क्लास के स्टूडेंट हो, ये आपसे पूछा जाएगा और आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आना व्यू डिटेल, व्यू डिटेल में आपको चैप्टर्स के नाम बता देंगे। मैम टाइम की है, टाइम की है मतलब टाइम आपका 11 AM है, ठीक है? लिखा है 11 AM पे, हर अल्टरनेट संडे को होता है बच्चों, 11 AM पे। अब मैम टेस्ट टाइम है, यस टेस्ट का टाइमिंग है आपका 11 AM। तो बच्चों इससे आपको क्या फायदा होगा कि नीट का एग्जाम देने पे फिर आपको पता चलेगा आपके ऑल इंडिया रैंक क्या आई है, उससे पहले आप ये वाला एग्जाम दो, इससे आप लोग को अपने ऑल इंडिया रैंक साथ के साथ पता चल जाएगी। और आपको खुद ये होल सिलेबस नहीं होता बच्चे, इससे हमारे पार्ट में सिलेबस, जब आप व्यू डिटेल करोगे, आप 9th 11th के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो, वो वहां पे मेंशन करोगे, या फिर आप 13th क्लास के, 13th क्लास का मतलब रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट हो, तो वहां पर आप जैसे व्यू डिटेल करोगे तो वहां मेंशन हो जाएगा आपका सिलेबस क्या है। अभी 7 तारीख को जो हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है? 7 तारीख को जो हम एग्जाम हो रहा है, इसमें 11th क्लास का जूलॉजी का सिलेबस आ रहा है, सेल साइकिल वाला, तो इसमें आपको वहां पे सिलेबस मेंशन हो जाता है कि आपका क्या सिलेबस आएगा, ठीक है? और फिर उसी सिलेबस के लिए आपके पास अभी टाइम भी, आज वेडनेसडे तो हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपके पास है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट के चैप्टर्स वहाँ पे मेंशन होते हैं, और आप वो चैप्टर्स को पढ़ो और ये एग्जाम दो, आपको आपके रैंक साथ के साथ पता चल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग। वही आपके लिए एक मोटिवेशन होगा कि मुझे अभी और कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक्चुअली में मुझे कुछ यहाँ, एक्चुअली में मुझे कुछ आता है कि नहीं आता। फिर आप ये जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं ये भी देखना बंद कर दो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि यहाँ पे ये जो टेस्ट दोगे 7 फरवरी को 11 बजे, इसमें आपके मार्क्स क्या आएंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वेयर एग्जैक्टली आई एम स्टैंडिंग, राइट? आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नहीं पूरा सिलेबस नहीं है बच्चे आशुतोष, इसके अंदर आपका सिलेबस मेंशन है, व्यू डिटेल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 11th क्लास का क्या है, 12th क्लास का क्या है, या फिर 13th क्लास का क्या सिलेबस है। और आपको जब यहाँ पे अनलॉक करने के लिए सिर्फ आपने करना है रेखा 01, REKHA रेखा 01, ये रेफरल कोड डाल देना, आप अनलॉक हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और आप उसके अंदर फिर जो है अपने यस ठीक है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों देखो आप लोगों को खुद आपकी आपके पता चल जाएगा आपके आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको अगर, और देखो आपके अच्छे रैंक आ जाए तो 1 से लेकर 3 रैंक तक के बच्चों को आईपॉड भी मिलता है, 3rd रैंक वाले को आईपॉड मिलता है, प्लस हम लोग का है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग फ्री। फिर 4 से लेकर 50 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है 1000 का अमेजोन का वाउचर, 1000 रुपीज का अमेजोन वाउचर। तो देखो हम महीने में 2 बार ये पेपर होता है, ठीक है? 2 बार होता है पेपर, ये 2000 मिल जाएंगे, बढ़िया है। आपको कम से कम इस वाले एग्जाम में तो अपने रैंक लेकर दिखाओ आप, तो आपको खुद पता चले, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
आप खुद पढ़ना शुरू कर दोगे। अब 15 दिन का टाइम मिलता है, एक एग्जाम के बाद दूसरा पेपर जब होता है उसमें आपको पूरा 15 दिन का वक्त मिलता है पढ़ने का। तो 15 दिन में क्या, अभी एक बॉटनी का चैप्टर आता है, एक जूलॉजी का चैप्टर है, और आपका एक फिजिक्स का है, और एक आपका केमिस्ट्री का है। ये क्या 4 चैप्टर्स नहीं कर सकते 15 दिन में आप तैयार? और ये अपने साथ के साथ इनाम का इनाम मिल रहा है आप लोगों को, साथ के साथ रैंक पता चल रही है। पासवर्ड क्या है मैम? रेखा 01। पासवर्ड दैट इज कोड है मेरा, रेखा 01। ये वाला कोड डाल देना, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है जी। और आपने गूगल पे सर्च क्या करोगे, unacademy.com ये डाल देना। फिर उसमें unacademy.com डाला, ओपन अप हो जाएगा वो पेज, आप लॉग इन करते पेज ओपन होगा, पेज ओपन होते सामने अनअकैडमी कॉम्बैक लिखा हुआ आएगा, अनअकैडमी कॉम्बैक, ये सेम पेज आपका ओपन हो जाता है। और जैसे ही पेज ओपन होगा नीचे आएगा रजिस्टर नाउ, तो रजिस्टर नाउ, जब आप इसको रजिस्टर करने के लिए जाते हैं फिर एनरोल नाउ ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो जब आप इसको रजिस्टर करने के लिए जाते हो तो वहां पे पूछा जाएगा आप कौन सी क्लास के बच्चे हो, 11th है, 12th है, या फिर आपका 13th क्लास है। फिर उसमें आप क्लिक करोगे, फिर आपसे पूछा, फिर वहां साइड में आएगा व्यू डिटेल, तो वहां पे आपने अपना सिलेबस देखना है कि आपका कि 11th क्लास के बच्चे हो तो क्या सिलेबस आ रहा है, 12th के हो तो क्या सिलेबस आ रहा है, और रिपीटर्स बैच के हो तो क्या सिलेबस आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड सॉरी मैथ्स बोल रही, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो जी, क्वेश्चन अभी और भी हैं। ये आपका है बच्चे 7 फरवरी को 11 बजे है, कितने क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ 28 क्वेश्चंस होंगे, 75 मिनट्स में आपने 28 क्वेश्चंस करने हैं सारे मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के तीनों मिलाकर, ठीक है। साथ के साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और आपको इसमें जब प्राइज मिलेगा तो उसमें आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, और आपको 1000 रुपीज का वाउचर मिलता है 4 से लेके 50 रैंक तक के बच्चों के लिए। चलो बच्चे, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमने नया स्टार्ट किया है बच्चों, इसके अंदर क्या है, आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है अनअकैडमी ने। ये अनअकैडमी इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म हु हैज लॉन्च दिस न्यू कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड यू अ पर्सनल कोच। यही वो होंगे जो आपका स्टडी प्लानर तैयार, आपका टाइम टेबल बनाकर देंगे, आपके हर एक्टिविटी का एनालिसिस करके देंगे। इस हफ्ते आपको हफ्ते में 2 बार आपको रिव्यू देंगे, बाई वीकली आपको ये रिव्यू देंगे, ठीक है जी। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपने इस हफ्ते जो भी पढ़ाई करी है तो वो अप टू द मार्क है कि नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने हर तरीके की बातों को इनसे शेयर कर सकते हो। यानी कि इट इज समथिंग लाइक अ सुख दुख का साथी, पर्सनल कोच विल बी लाइक अ सुख दुख का साथी। आपको लो फील हो रहा है, कहाँ मोटिवेशन की कमी है, कौन सा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज के ये गाइडेंस देंगे आपको, राइट। एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो आपको है ही, प्लस के क्या बेनिफिट्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, चैप्टर खत्म होने पर मिलेंगे, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे टेस्ट है, अनअकैडमी ऐप पे नहीं होगा, यूट्यूब पर ही होगा आपका टेस्ट। तो ये आपको वहां पे कोड दिया जाएगा जब आप रजिस्टर कर लोगे ना, फिर 17 तारीख, फिर 7 तारीख को 11 बजे आप आओगे जब यूट्यूब पे, आपको एक लिंक मिल जाएगा, फिर वहां पर आपको एक कोड मेंशन होगा, वो कोड आप अपनी आपको इसमें अनअकैडमी डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, यहाँ आप सही कह रहे हो, आपको अनअकैडमी ऐप जो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और क्योंकि उसी के अंदर एक टेस्ट का ऑप्शन आता है कि वहां पे आप जाकर कोड एंटर करोगे, राइट। अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, फिर वहां पर आपका आता है नीचे टेस्ट, टेस्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे मेंशन हो जाएगा आपको कि ज्वाइन क्विज, जैसे ज्वाइन क्विज करते हो तो वहां पे आएगा कोड लिखने के लिए, तो कोड आपको उसी दिन दिया जाएगा, राइट। आपको कोड में भेज दिया जाएगा, फिर आप कोड वो एंटर करके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलो, फीस इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल बच्चों, जैसे आइकॉनिक की बात अगर हम करते हैं तो इसकी फीस 6 महीने कितने 38,000 है, 1 साल की फीस है। कोड क्या है, कोड वो आपको बताएंगे उसी दिन बताया जाए, कोड पहले ही नहीं बताया जाता, कोड आपको संडे को ही बताया जाएगा। वो कोड एंटर करते ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, कोड एंटर करोगे, कोड एंटर करते ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है बच्चों साथ में, और जो आपका 2 साल का है इसमें आपको 1 लाख की फीस है। और इसमें मैम क्लास एंड नहीं, क्लास अभी एंड नहीं हुई है, अभी क्लास और बच्चे क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। 6 महीने वाला जो सब्सक्रिप्शन है बच्चे, इसमें देखो जैसे अपना रेखा 01
ये मेरा रेफरल कोड यूज किया तो आपकी क्लास का क्या हुआ, आपका फीस का क्या हुआ, 10% मिल गया आपको इस पे डिस्काउंट। और कितना हो गया आपकी फीस, 34,200 अलॉन्ग विद योर पर्सनल कोच के साथ, ये वाली फीस आपकी बच्चों। फिर आपका है 12 महीने का फीस कितनी, 58,500, और 2 साल की फीस कितनी आपकी, 90,000 हो जाती है 10% डिस्काउंट होने के साथ। आपके पर मंथ की ईएमआई, आप इसको एक साथ लमसम अमाउंट पे नहीं कर सकते तो आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई है। जहाँ पे आपकी ईएमआई कितनी पड़ेगी पर मंथ, 3,750 पड़ेगी सिर्फ, ठीक है जी। और अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट अ पर्सनल कोच तो फिर आप क्या करो, अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। यहाँ पे आपको देखो 3 महीने का जो फीस है ये कितना है, 17,500। वहां पे जैसे आपने रेफरल कोड यूज करा रेखा 01, तो आपकी ईयरली फीस कितनी बन गई, सिर्फ 15,750, है ना, कितनी कम फीस। और वहीं पे आपके 2 साल वाली फीस जो है आपकी 56,000, तो वो आपकी फीस कितनी बन गई है, 50,000। 56,000 से कितनी बन गई आपकी, 50,400 फीस आपकी बन गई है। क्यों, क्योंकि आपको मिल गया 10% डिस्काउंट। इसके अलावा और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें मैं लेती हूँ एमसीक्यूज की क्लासेस, ठीक है, आपको वहाँ क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ। तो वहां पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दोगे, कम से कम समय पे दोगे, तो आपको मिलते हैं कुछ क्रेडिट पॉइंट्स। और जितने ज्यादा आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों, उतने ही ज्यादा, और जितना ज्यादा आप क्रेडिट पॉइंट स्कोर कर लेते हो, उससे आपको फर्दर और 10% डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। तो उससे आपको फर्दर और 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यानी कि अगर आप इसके बारे में बात करते हो तो इसके ऊपर आपको और फर्दर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, लेकिन वो करोगे आप, वो गेन आप लोग कर सकते हो, उसको गेन मैं नहीं करवा सकती। एंड वो वाला जो 10% फर्दर 10% डिस्काउंट होगा वो आप खुद ही गेन करोगे, वो मैं नहीं करवा सकती आप लोगों को, राइट। समझ पाए बच्चों इन बातों को? तो मेरे तो रिक्वेस्ट है कि देखो फ्री के चक्कर में इधर से उधर मत भागो, फ्री का माल कभी किसी का नहीं हुआ है, फ्री का माल फायदेमंद नहीं होता। यस, बट दीज आर आर डेमो क्लासेस ऑन दी एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग आर डेमो क्लासेस ऑन दी एन अकेडमी दिस यूट्यूब क्लासेस, सो दैट यू विल कम टू नो कि वट एग्जैक्टली एन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू, वट एग्जैक्टली दे आर प्रोवाइडिंग यू, वट एग्जैक्टली वी आर प्रोवाइडिंग यू, राइट। तो आप लोग क्या है, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने पैसा खर्च कर रखा है तो आप भी सिंसियरली पढ़ोगे। अभी फ्री की क्लासेस में आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, 4 क्वेश्चंस करके भाग जाते हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा भाग जाते हो, जब तक टीचर 2-4 गाने ना सुनाए, थोड़ा सा डांस वांस ना करके दिखाए क्लास में, आप लोग का मजा नहीं आता, आप लोग क्लास में बैठते नहीं हो, होता है ना ये सब हरकतें होती है ना, कितने मैडम बस बहुत हो गया बोर हो गया, अब आप कोई गाना सुना दो, अब आप कोई गाना सुना दो, राइट। ये सब, लेकिन जब आपने पैसा खर्च कर रखा होगा ना तो आप बोलोगे नहीं मैम, पीछे कोई भी मजाक मत करो, कोई हंसी मत करो, फटाफट बस लगातार पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। आती नहीं ये वाली फीलिंग हमें, स्कूल की फीस जो हमारी जाती है उसकी हम इतनी कदर नहीं करते जितना ट्यूशन क्लासेस की फीस की कदर करते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं। स्कूल में चाहे आप 2,000 चाहे 5,000 फीस दे रहे हो, लेकिन उसकी इतनी कदर नहीं है जितनी आप ट्यूशन क्लासेस की फीस की कदर करते हो। वे ट्यूशन में फीस दे रहे हैं, ढंग से पढ़ो, होता है ना ऐसा। तो आप शिवांग शिवांशु फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आप लोगों को मेरी क्लासेस का हर एक अपडेट मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, और आपको और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगी मैं। बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, नीट क्वेश्चन बैंक 101, दैट इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, फटाफट से ज्वाइन कर लो आप, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। किंग क्रैब रेस्पायर थ्रू, बताओ किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है किंग क्रैब, किसके थ्रू रेस्पायर करता है किंग क्रैब, यस बताओ किसके थ्रू रेस्पायर करता है ये, यस इट रेस्पायर थ्रू द बुक गिल्स, ठीक है जी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एनोफिलिस इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, क्यूलेक्स इज अ वेक्टर फॉर फिलेरियस, एडीज इज अ वेक्टर फॉर डेंगू, ऑल
यस ऑल आर करेक्ट. नाउ विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम बिकॉज ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. इसकी वजह से कौन सा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है? नहीं, 646 का. यस बी. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है वो भी आंसर बता दो मुझे. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम? नाउ माय क्वेश्चन इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बताओ. यस मॉलस्का इज दिस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. के ए नहीं आता बच्चे शुभांकर, दिस इज सी आता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोडा? मालपिगिन ट्यूब्यूल एज इन कॉकरोच, सेंटीपीडी मिलीपीडी, कॉक्सल ग्लैंड एज इन द स्कॉर्पियन स्पाइडर, एंटेनल ग्लैंड और वी कैन से ग्रीन ग्लैंड एज इन द प्रॉन्स. कौन सा वाला करेक्ट है? Yes, 47 का टी. ऑल आर करेक्ट. प्रॉन गिल्स एज इन प्रॉन, बुक गिल्स एज इन लैमुलस. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. वन इज करेक्ट या सेकेंड इज करेक्ट? फोर्टी एट का आंसर बताओ. फोर्टी एट का बी. यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग एक्सोस्केलेटन एट द रेगुलर इंटरवल सीजनली दैट इज कॉल्ड एग्डायसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस. एनीवन? यस इट इज द एग्डाइसिस. उसको क्या कहा जाता है? एग्डाइसिस. अपने स्किन को, स्किन कास्ट को शेड ऑफ कर देते हैं ना एक रेगुलर सीजनल ड्यूरेशन पे. सीजनली दे शेड ऑफ देयर स्किन तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो नो मेटास्टेसिस क्या होता है बच्चों? मेटास्टेसिस होता है ट्यूमर सेल, मूवमेंट ऑफ द ट्यूमर सेल, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल और ट्यूमर सेल. ट्यूमर सेल. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर. चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर. एग्डाइसिस का मतलब होता है शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एट रेगुलर इंटरवल, दैट इज के एग्डाइसिस. राइट. फिफ्थ आर्थ्रोपोड पॉजेस. बताओ क्या होगा इसका? आर्थ्रोपोड पॉजेस या दे पॉजेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. दे पॉजेस डैश डाइजेशन ऑफ फूड. Here they are talking about the arthropoda. Arthropoda possesses कौन से टाइप का? फिफ्टी वन का. आर्थ्रोपोडा में क्या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट बनी भी है ना? एलिमेंट्री कैनाल मैंने अभी आपको बताया था, जिन भी एनिमल्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हो गई है
उन सब के अंदर हमारा क्या होगा, उन सभी एनिमल्स के अंदर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। जिन भी एनिमल्स के अंदर आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन ऑल दोज एनिमल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट। और जिन एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल नहीं है और वी कैन से इनकम्प्लीट है, उनके अंदर होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। बताया था ना अभी, तो ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, बट दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। एंड कल हम दोबारा से मिलते हैं एनिमल किंगडम पे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज हमने कहाँ तक कवर अप किया है, आज की क्लास में हमने एनिलिडा तक कवर अप किया है, कल की क्लास में हम लोग करेंगे मोलस्का से आगे। ठीक है, कुछ हमारे आर्थ्रोपोडा के भी रहेंगे क्वेश्चंस, और कुछ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यहाँ तक के क्वेश्चंस हम कल वाली क्लास में करेंगे। राइट एवरीवन, आप सबके सब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो अभी। आशुतोष मिश्रा, शुभांकर धाल, आप लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। राइट, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय क्लास फ्रॉम देयर इवन। यस शिवांग, ग्रुप में ऐड हो के लेफ्ट क्यों किया ग्रुप को? सिर्फ पीडीएफ चाहिए था इसीलिए। ओके फाइन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। एंड वी आई होप कि कल आप लोग सब मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, यस मैम, वी हैव एनरोल्ड आवरसेल्फ फॉर द एकेडमिक कॉम्बैक। और साथ के साथ अपने फोन में अलार्म डाल लेना कि 11 बजे, 10 संडे को 11 बजे आपने वो उसको ज्वाइन, उसको करना भी है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स करने, फिर मुझे बताना कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, ये भी आप मुझे साथ के साथ बताना फिर। ठीक है जी, ग्रुप क्या है, ग्रुप आपका है बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है नीट क्वेश्चन बैंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिखा हुआ आएगा नीट क्वेश्चन बैंक, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे है लिंक लिखा है, उस पर क्लिक कर देना और आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड बाय बाय, एंड टुमारो अगेन वी विल मीट एट द सेम टाइम 5:30 पे। कल दोबारा से मिलते हैं इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, बाय बाय।